नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग यूनिट टू स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर आपको पढ़ना है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। तो देखो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम लोग कहते किसको हैं। डेफिनेशन, सपोज सपोज G star and G dash star dash be two group, be two group। ठीक है, दो आपके पास ग्रुप दिए हैं, एक जी स्टार ऑपरेशन के साथ में ग्रुप है, दूसरा जी डैश ग्रुप है जो कि स्टार डैश ऑपरेशन के साथ में ग्रुप है। देन एक मैप आप डिफाइन करो या एक फंक्शन डिफाइन करो आप, ठीक है, मैप कहो या फंक्शन कहो, कहां से कहां पर, फाई से फाई, फ्रॉम जी टू जी, जी टू जी डैश, जी से जी डैश पर आप एक फंक्शन डिफाइन करो, इस सेट टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसको आप लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहोगे फाई को, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, देखो कंडीशन क्या है कि फाई एक्स स्टार वाई, ठीक है, एफ स्टार वाई करो, यानी कि फाई एक्स स्टार वाई करो, तो यहां पर आपको क्या मिल जाए, फाई एक्स स्टार डैश फाई वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू जी। इसका मतलब यह है कि यदि आप लोग दो एलिमेंट उठाओ इस ग्रुप से, ठीक है, और इस ग्रुप से एलिमेंट उठा रहे हो तो इसका ऑपरेशन लगाओ यहां पर, ठीक है, और इन दोनों को ऑपरेट करो तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, फाई एक्स और स्टार डैश फाई वाई, यानी कि जो आपको यहां पर जो एलिमेंट मिलेगा जी डैश है ना, फाइव एक्स कहां का एलिमेंट है, जी डैश का, फाइव वाई कहां का एलिमेंट है, जी डैश का, तो इनके बीच जो ऑपरेशन लगेगा वो कौन सा लगेगा, जी डैश वाला, यानी कि स्टार डैश इनके बीच में ऑपरेशन लगेगा। तो इस कंडीशन के यदि इक्वल आ जाएगा तो हम लोग फिर उसको फाइव को क्या बोलेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि आप इसको समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, देखो दो ग्रुप हैं आपके पास और एक उस पर मैप डिफाइन करना है, यानी कि यह है आपका, यहां पर मान लो इसको जी स्टार और यह है आपका जी डैश और स्टार डैश। ठीक है, मैप आप डिफाइन कर रहे हो यहां से यहां पर इस तरीके से फाई, तो ये कहा गया है कि एलिमेंट उठाओ जी स्टार से, यानी कि एक्स यहां से उठाना है, वाई यहां से उठाना है, ठीक है, इनकी इमेज कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी, तो ये हो गया फाई एक्स और यहां पर मिलेगा फाई वाई। ठीक है, तो ये फाई एक्स और फाई वाई जी डैश के एलिमेंट है, तो कहा जा रहा है कि यदि यहां से एक्स स्टार वाई ये भी यहीं पर मिलेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है, तो एक्स स्टार वाई भी यहां पर मिलेगा क्लोजर प्रॉपर्टी वाला, तो ये जब यहां पर मिलेगा तो इसके साथ यहां पर क्या मिलेगा,
इसकी इमेज यहां पर मिलेगी फाई एक्स स्टार वाई, ठीक है। और ये कहा गया है कि किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए फाई एक्स, चीटा इसका एलिमेंट है ना, और इसका ऑपरेशन लगाओ स्टार डैश, ठीक है। इसका ऑपरेशन क्या है, स्टार डैश, तो स्टार डैश लगाओ और फाई वाई ऐसा हो जाए तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा हमारा। तो आई होप आप लोग को यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ रिमार्क हैं आपके, तो कुछ रिमार्क आप लोग को याद रखने हैं। देखो रिमार्क क्या है, रिमार्क पहला रिमार्क है कि इफ फाई इज, ये जो फाई है इज वन वन, वन वन हो और होमोमॉर्फिज्म हो, वन वन हो और होमोमॉर्फिज्म हो, चलो वन वन करो और इसको वन वन ऑन टू हो, वन वन ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो साथ में, ठीक है। ये जो फाइव फंक्शन आपने डिफाइन किया है ये वन वन हो जाता है, ऑन टू हो जाता है और होमोमॉर्फिज्म भी हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देन फाई इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। इसी फाई को हम फिर क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। वन वन का मतलब तो आप लोग समझते हो ना, देखो जैसे वन वन आपको दिखाना है तो वन वन का क्या मतलब होता है, सबने इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में प्रूफ किया होगा वन वन। जैसे कि फाई एक फंक्शन है फ्रॉम जी टू जी डैश, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई, तो क्या दिखाओ, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जी, ये होता है आपका वन वन, है ना। यानी कि जैसे कि आप ये कहो कि यहां पर आपका ये है जी, ठीक है, और यहां पर है आपका ये जी डैश, तो यहां पर जैसे ये एलिमेंट है आपके, ठीक है, यहां पर भी ये एलिमेंट है, तो वन वन कब होगा, वन वन ये होगा यानी कि जब जी के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज यहां पर मिले, ठीक है, इस तरीके से एक यूनिक इमेज मिल जाए तो ये क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है। और ऑन टू कब होता है, और देखो ये वन वन नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक की इमेज एक मिल जाए, अब जैसे आप लोग इसको ऐसा बना दो, जैसे यहां पर मान लो ये एलिमेंट है, इधर पर ये एलिमेंट है, तो आप कह दो कि इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है और इसकी भी इमेज ये है, है ना, तो इसकी भी इमेज ये मिल गई और इस वाले एलिमेंट की इमेज भी ये मिल गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक की यूनिक इमेज मिलना चाहिए हर एलिमेंट की, तो ये हमारा वन वन नहीं होगा, नॉट वन वन, नॉट वन वन, ठीक है, तो इस तरीके नहीं होना चाहिए। ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू भी देख लो, ऑन टू, ऑन टू में ये होता है कि हर जो कोडोमेन है उस कोडोमेन में हर एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज मिलना चाहिए, है ना। जैसे यहां पर ये सारे एलिमेंट हैं ये, तो यहां पर क्या मिलना चाहिए, इनकी प्री इमेज सभी एलिमेंट की मिलना चाहिए, जैसे ये वाला एलिमेंट है इसकी प्री इमेज ये मिल गई, ये वाला एलिमेंट है इसकी ये मिल गई, इसकी ये मिल गई, इसकी ये मिल गई, इसकी ये मिल गई, ठीक है, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर कोई एलिमेंट छूट जाए। यदि यहां पर जी डैश में ये जी है और ये जी डैश है, यदि जी डैश में कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाता है, ठीक है, यानी कि यहां पर यदि कोई एलिमेंट रह जाता है तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। यानी कि हम लोग एक तरीके से ये कह रहे हैं कि फॉर वाई बिलोंग्स टू जी डैश, जो भी एलिमेंट जी डैश में है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू जी, उन सभी के लिए एक जी में एक एक्स मिलना चाहिए,
सच दैट इफ y x की इमेज क्या है y, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हो जाता है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, अनटू बोलते हैं। तो यदि फंक्शन फाई क्या है, वन वन है, आन टू है और होमोमार्फिज्म है, देन फाई को हम क्या बोलते हैं, आइसोमार्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं, देखो दूसरा रिमार्क है कि इफ फाई इज वन वन, ठीक है, केवल वन वन है, आन टू नहीं है और साथ ही साथ होमोमार्फिज्म भी है, ठीक है। तो फिर देन फाई को हम क्या बोलेंगे, देन फाई इज कॉल्ड मोनोमार्फिज्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमार्फिज्म। इसी तरीके से तीसरा रिमार्क है कि इफ फाई इज ऑन टू, ठीक है, ऑन टू है और होमोमार्फिज्म है साथ ही साथ, होमोमार्फिज्म, देन फाई then phi is called epimorphism, ठीक है, epimorphism। और यदि चौथा है हमारा, चौथा कि phi is homomorphism from G to G, if फाई इज ए होमोमार्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, ठीक है, यानी कि डोमेन वाला सेट भी जी है और कोडोमेन वाला सेट भी जी है, देन इट इज कॉल्ड इंडोमार्फिज्म, ठीक है। तो ये चार रिमार्क हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कर्नल ऑफ ए होमोमार्फिज्म। तो देखो कर्नल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कर्नल ऑफ ए होमोमार्फिज्म, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट जी एंड जी डैश बी ग्रुप, ये दो आपके क्या है, ग्रुप है। लेट फाई फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमार्फिज्म, देन कर्नल ऑफ फाई, कर्नल फाई यानी कर्नल ऑफ ए होमोमार्फिज्म, कर्नल फाई इसको कहते हैं, ये क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल दोज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के उन एलिमेंट्स का सेट होगा दैट आर मैप्ड टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है, मैप्ड टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश।
यानी कि जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग यहां से लिख सकते हो दैट इज कि कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू क्या होगा, जी के उन सभी एलिमेंट का सेट होगा एक्स बिलोंगिंग टू जी, जो कि क्या होंगे, जिनकी इमेज क्या होगी, कहां पर मैप हो रहे होंगे, जी डैश पर मैप हो रहे होंगे। तो जी डैश की जो आइडेंटिटी है वो ई डैश है, ठीक है। ये ई डैश क्या लिखा मैंने, ये है आपकी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। जैसे कि आप देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हो, जैसे कि मान लो, देखो जैसे कि मान लो ये आपका जी है, ठीक है, ये आपका जी डैश है, ये जी है और ये जी डैश है। जी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहां पर ये है आइडेंटिटी और ये बाकी एलिमेंट है इस तरीके से। तो जैसे वन मैप कर रहा है आइडेंटिटी पर, ठीक है, टू मैप कर रहा है इस एलिमेंट पर, थ्री मैप कर रहा है आइडेंटिटी पर, फोर मैप कर रहा है इस एलिमेंट पर, ये जी डैश है। तो हम क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ फाई क्या हो जाएगा, उन सभी जी के वो एलिमेंट लेना है जो कि आइडेंटिटी पर मैप हो रहा है। तो आइडेंटिटी पर वन मैप हो रहा है और आइडेंटिटी पर थ्री मैप हो रहा है, तो वन और थ्री आ जाएगा इस कर्नल फाई में, ठीक है। इजी है, बहुत टफ नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये दो डेफिनेशन समझ में आई होंगी, एक तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और दूसरा कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल देख लो, नेक्स्ट पेज पर करते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल वन, इस पर कहा गया है फाइंड कर्नल ऑफ एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, लेट फाई फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का कर्नल फाइंड करना है। तो एक पहले हमारे पास हमने क्या किया, बी ए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। यदि आइसोमॉर्फिज्म है तो फिर क्या होगा, फाई कैसा होगा, फाई इज एक तो वन वन होगा, ठीक है, आन टू होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा, ठीक है। अब देखो कर्नल फाई हमें फाइंड करना है, कर्नल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करना है। तो कर्नल फाई क्या होगा, कर्नल फाई इज इक्वल टू होता है एक्स बिलोंग टू जी सच दैट, जो कि एक्स की इमेज कहां मिलेगी, आइडेंटिटी को मैप कर रहा होगा, ठीक है। तो अंडर आइसोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी इज मैप्ड टू आइडेंटिटी, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आइडेंटिटी जो होगी होती है वो आइडेंटिटी पे ही मैप होती है ना। यानी जी की आइडेंटिटी जी डैश पे मैप होगी। तो जी की आइडेंटिटी मान लेते हैं ई है, ठीक है, तो ई की इमेज कहां मिलेगी, यानी कि इमेज ऑफ ई डैश कहां मिलेगी, ई क्या इमेज ऑफ ई कहां मिलेगी, ई डैश पे, ठीक है। अब देखो यहां पर देयरफॉर जो फाई एक्स है, फाई एक्स कितना है, आइडेंटिटी ई डैश है, और ई डैश किसकी इक्वल है, फाई ई के इक्वल है,
ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज फाई एक्स इजकल टू फाई ई, ठीक है। और यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स इजकल टू ई। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? सिंस फाई इज वन वन, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो कर्नल फाई कितना आ गया? कर्नल फाई इजकल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एन आइसोमॉर्फिज्म, यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ एन आइसोमॉर्फिज्म इज ए ट्रिवियल सबग्रुप, ठीक है। आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो जिस सेट में केवल आइडेंटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सबग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर्नल ऑफ एन आइसोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल टू, देखो लेट फाई फ्रॉम जी एल टू कामा आर से, कहां जा रहा है ये आर स्टार डॉट बी डिफाइंड एज कि फाई ए क्या देता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता है, ठीक है। तो कहा गया है प्रूव दैट फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर कहा गया है आल्सो फाइंड कर्नल फाई, ठीक है, कर्नल भी इसका फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है? होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कहती है कि आप लोग फाई उठाओ, यानी कि जीएल टू आर डोमेन से कोई दो एलिमेंट उठाओ। तो ये जीएल टू आर जनरल लीनियर ग्रुप होता है ना, 2x2 मैट्रिक्स का। एंट्रीज कहां से आ रही होंगी? रियल नंबर से। तो इस पर मैट्रिक्स होंगी 2x2 की, तो हमने इससे दो मैट्रिक्स उठानी है, ए और बी, हमने दो मैट्रिक्स उठाई। इस पर फाई लगा दो, है ना। तो ये फाई यदि हम लगाएं तो हमको क्या दे दे? ये हमको देगा आर स्टार, है ना। कहां से कहां जा रहा है? ये जा रहा है जीएल टू आर से आर, ये हमारा आर स्टार है, ठीक है, आर स्टार पर जा रहा है। तो आर स्टार पर जा रहा है और फाई ए हमको देता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रूल हमको दे रखा है इसका। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों को ही डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? फाई ए, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाई ए है, वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा फाई बी, ठीक है। तो फाई ए बी को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं? फाई ए इंटू फाई बी लिख पा रहे हैं। तो बस यही हो गया हमारा क्या, दिस इंप्लाइज, यहां से हमने दिखाया फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इस तरीके से हमको दिखाना था। अब देखो हमको इसका कर्नल फाइंड करना है, तो कर्नल कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहां पर लिखो कर्नल फाई इज इक्वल टू, इस पर क्या आएगा? जी सेट का यानी कि डोमेन सेट का एलिमेंट आएगा। तो डोमेन में तो मैट्रिक्स है, तो ए बिलोंग्स टू जी एल टू कामा आर, ठीक है। सच दैट कि हम इसकी जो, इस पर यदि फाई लगाएं, फाई ए,
ठीक है, वो उस आइडेंटिटी पर मैप होना चाहिए, है ना। कर्नल फाई में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो रहे हैं, तो इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है मल्टीप्लीकेशन के साथ में रियल नंबर की, वन। तो ये वन पर मैप हो रहे होंगे, वो हमको यहां पर एलिमेंट लेना है, ठीक है, वो मैट्रिक्स यहां पर आएंगी। तो ऐसे एलिमेंट देखो, ए बिलोंग्स टू जीएल टू आर, जीएल टू कामा आर, और जिन फाई ए का मतलब क्या हो गया, फाई ए का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, वन। तो इस पर कौन सी मैट्रिक्स आ जाएंगी, जीएल टू आर में जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल लीनियर, है ना, एस एल टू आर। तो यहां पर एस एल टू आर आ जाएगा इसका कर्नल फाई, ठीक है। तो ये इसका कर्नल फाई निकल गया, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप बस यदि एक बार समझ लोगे इनकी डेफिनेशन को तो बहुत आसान है ये, जो आपने चैप्टर में 5, 7 और 9 जो आपने पढ़ा है उससे तो बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो एग्जाम्पल 3 देखते हैं अब हम लोग। देखिए एग्जाम्पल 3, इस पर कहा गया है डिफाइन फाई फ्रॉम आर स्टार से आर स्टार एज, इसका रूल दे रखा है फाई एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, सो दैट इट इज होमोमॉर्फिज्म, आल्सो फाइंड कर्नल फाई, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आर स्टार जो है हम लोग लेंगे यहां से दो एलिमेंट, है ना, तो दो एलिमेंट हमने लिए, इनको ऑपरेट किया, इनका प्रोडक्ट कर दिया, इस पर हमको लगाना है फाई, फाई हो गया। तो देखो ये कह रहा है कि यदि हम फाई एक्स करते हैं तो हमको मॉड एक्स मिलता है, तो यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, मॉड एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, ये लिख दिया हमने, और मॉड एक्स का मतलब क्या है, फाई एक्स, है ना, तो ये हो गया फाई एक्स और ये हो गया फाई वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। आर स्टार का मतलब समझते हो ना, आर स्टार का मतलब होते हैं वो सभी रियल नंबर, रियल नंबर में जीरो को माइनस कर दो, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, इसको आर स्टार बोलते हैं। तो ये फाई क्या हो गया हमारा, फाई होमोमॉर्फिज्म हमने दिखाया है यहां से, दिस इंप्लाइज फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब हमें कर्नल फाई फाइंड करना है, तो देखो यहां पर कर्नल फाई की यदि डेफिनेशन आती है तो कर्नल फाई आप फाइंड कर लोगे। हमको एक्स कहां से उठाना है, डोमेन वाले सेट से, तो एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट कि x की इमेज क्या मिले, आइडेंटिटी पर मैप हो g डैश की, तो g डैश भी यहां पर r स्टार ही है, तो r स्टार की आइडेंटिटी क्या होगी, वन, तो वन पर जो मैप हो रहा हो, तो यहां से लिख दो x बिलोंग्स टू r स्टार और phi x कितना है, phi x होता है mod x यहां पर दे रखा है, तो mod x इज इक्वल टू वन। तो ऐसे कौन से रियल नंबर होंगे, नॉन जीरो रियल नंबर जो कि मॉड एक्स इक्वल टू वन देंगे, तो एक्स आप ले सकते हो यहां पर प्लस माइनस का वन, इन्हीं का मॉड वन आएगा। तो कर्नल फाई में कौन से एलिमेंट आ गए, कर्नल फाई में आ गए वन और माइनस वन, ठीक है। इसी का बी पार्ट है, देखो बी पार्ट पर कहा गया है कि विल इट बी एन आइसोमॉर्फिज्म,
क्या ये आइसोमॉर्फिज्म भी होगा? तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है? देखो आइसोमॉर्फिज्म यदि आपको दिखाना है, इसको यहां पर कर लो बी पार्ट है, तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका नो। ठीक है, क्या ये आइसोमॉर्फिज्म भी होगा? तो यहां पर लिखो नो, बिकॉज फॉर आइसोमॉर्फिज्म जो कर्नल फाई होता है वो क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने प्रूफ किया था कर्नल फाई ट्रिवियल सब ग्रुप होता है, यानी कि केवल आइडेंटिटी आना चाहिए, कर्नल फाई इजकल टू ट्रिवियल सब ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहां पर कर्नल फाई क्या आया है? वन और माइनस वन आया है सेट में, तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। इसका सी पार्ट देख लो, सी में जैसे क्वेश्चन आ गया कि विल इट वन वन, देखो विल इट बी वन वन, तो वन वन के लिए आप कैसे दिखाओगे? देखो आइसोमॉर्फिज्म ही नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म होता तो वन वन आन टू होता। अब देखो वन वन के लिए देख लो, लेकिन अलग अलग क्योंकि पूछा गया है, तो यहां पर लिखो एज, जैसे हमने लिया फाई टू, ठीक है फाई टू लिया, तो ये फाई टू क्या देगा हमको? मॉड टू देगा, ठीक है, जो कि टू आ जाएगा। यदि हमने ले लिया फाई माइनस टू, तो ये क्या दे देगा? मॉड माइनस टू, और ये भी आ जाएगा टू, समझ रहे हो? तो देखो यहां पर हमने देखा कि इमेज सेम हो गई, फाई टू इजकल टू फाई माइनस टू, बट टू इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, इसलिए वन वन नहीं होगा। एक ही एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, जैसे इसका ग्राफ देखना चाहो, मॉड एक्स का ग्राफ तो सबको पता होगा, है ना, ये होता है इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो ये जैसे कि माइनस टू है और ये क्या है? टू है, तो इन दोनों की सेम इमेज यहां पर मिल रही है हमको, ठीक है, टू मिल रही है इमेज दोनों की। तो इस वजह से जब सेम इमेज मिलती है तो फिर ये नंबर हमको सेम मिलने चाहिए, लेकिन ये टू और माइनस टू इक्वल तो नहीं हो सकते, इस वजह से वन वन नहीं होगा। आन टू भी देख लो, देखो आन टू भी देख लो, तो यहां पर लिख तो दो इसको, इसका आंसर लिख दो नो, क्या वन वन होगा? नहीं होगा। अब सी पार्ट इसका देखो, सॉरी डी पार्ट इसका देख लो, यहां पर हम लोग ले लेते हैं विल इट बी आन टू, विल इट बी आन टू, तो आन टू के लिए देख लेते हैं। देखो फॉर माइनस थ्री यदि हम लोग ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर स्टार से, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी कैन नॉट फाइंड यहां पर लिखो एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, हमको कोई एक्स नहीं मिलेगा आर स्टार में, है ना, प्री इमेज हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो कोई प्री इमेज हमको इसकी नहीं मिलेगी कि फाई एक्स इजकल टू क्या हो जाए? माइनस थ्री हो जाए। क्यों? क्योंकि फाई एक्स हमको क्या दिया? फाई एक्स हो जाता है मॉड एक्स, और मॉड एक्स क्या कभी निगेटिव वैल्यू देगा? कभी नहीं देगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू, ठीक है, तो यहां पर लिख लो नो। अगली बात समझ में, चलो एग्जाम्पल फोर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल फोर देख लेते हैं, ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, जो भी मैं एग्जाम्पल में करवा रहा हूं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेट आर एक्स, ये पॉलिनोमियल है, डिनोट्स द
denotes the group of all polynomials with real coefficients. Under addition, ठीक है, देखो, define phi from R x plus, से कहाँ जा रहा है, R x plus में, एज कि यदि आप फाई एफ करोगे तो इसका रूल दिया है कि ये हो जाएगा आपका डी एफ बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया है सो दैट फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, और फिर साथ में कहा गया है फाइंड कर्नल फाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो देखो हम लोग यहां से डोमेन से दो एलिमेंट उठाएंगे तो फंक्शन मिलेंगे हमको, है ना, यानी कि पॉलिनोमियल मिलेंगे, तो दो पॉलिनोमियल एफ प्लस जी हमको मिल गए, ठीक है, इनको ऐड कर दे, इनको इनका ऑपरेशन क्या है, एडिशन दिया है, तो ऐड कर दो, फाई लगा दो, तो ये हमको क्या मिलेगा, इसने कहा है कि यदि एफ डालोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये एफ प्लस जी का, ठीक है। अब देखो ये आपने कैलकुलस में रूल पढ़ा होगा कि इन दोनों को हम लोग अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स को फाइव एफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फाइव एफ, और ये क्या हो गया, इसी तरह इसको बोल सकते हैं फाइव जी, है ना। तो फाइव एफ प्लस जी को हमने क्या लिख दिया, फाइव एफ प्लस फाइव जी लिख दिया, तो दिस इंप्लाइज हमने दिखा दिया होमोमॉर्फिज्म, फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब कर्नल फाई फाइंड करना है, तो देखो कर्नल फाई कैसे निकालोगे, कर्नल फाई इक्वल टू, यहां पर आएंगे एलिमेंट डोमेन से, तो एफ फंक्शन आएंगे, है ना, या पॉलिनोमियल आएंगे आर एक्स से, तो यानी कि यदि फाई एफ एक्स करोगे तो दूसरे वाले ग्रुप की क्या मिलेगी आइडेंटिटी, दूसरे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल, है ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, इस टाइप से ये मिलेगा यहाँ पॉलिनोमियल। तो देखो इसको, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, ठीक है, फाई एफ एक्स क्या दे देगा आपको, डी एफ बाई डी एक्स इजकल टू, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो वो सभी एलिमेंट आएंगे, वो सभी इस पर पॉलिनोमियल आएंगे जिनका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, यानी कि इसका मतलब कर्नल फाई में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही आपका जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होगा, जीरो होगा, तो कर्नल फाई में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं तक रखा जाए, इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पर करेंगे, तो आप लोग इसको जो है दोहराइएगा, थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, थैंक यू।